वो देश को पता लगेगा कि नैतिकता की स्थिति राजनीति में क्या है। लेकिन उसके पहले राज्यपाल ने कमलनाथ को फिर से चिट्ठी लिख दी है। राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि कल आप बहुमत परीक्षण कराइए, फ्लो टेस्ट कल कराया जाए, जबकि स्पीकर ने 26 मार्च तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी है। कोरोना की वजह से यह विधानसभा स्थगित करने का फैसला किया गया। हेमेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस समय भोपाल से फोन लाइन पर आ गए और जानकारी लेकर। हेमेंद्र, स्पीकर कहते हैं कि 26 मार्च को आइए, राज्यपाल कहते हैं कि कल आइए, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, होगा क्या? जी देखिए, ड्रामा चल रहा है और पूरी तरह से कमलनाथ सरकार गिरती नजर आ रही है, क्योंकि कमलनाथ सरकार किसी भी कीमत पर फ्लोर टेस्ट करवाना नहीं चाहती है, क्योंकि जो बाकी 22 विधायक हैं, हालांकि 22 में से 6 के सीधे मंजूर हो गए हैं, तो 16 अभी बचे हैं, लेकिन अगर पूरी संख्या भी उनकी देखें तो वो सभी लोग जो है अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और किसी भी कीमत पर वापस नहीं आना चाहते। ये समय खरीदना चाहती थी कमलनाथ सरकार, और जो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने फिर से एक पत्र लिखा और कहा है कि 17 तारीख को आप पुनः कराइए, और साथ ही साथ उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि जो हमने पहले चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि आपको फ्लो टेस्ट करवाना है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद तुरंत करवाना है, उसको आपने कहा कि ये गैर कानूनी है, इस पर राज्यपाल ने खेद भी जताया और साथ ही साथ उनको निर्देशित किया है कि 17 तारीख को आप पुनः जो है आप फ्लो टेस्ट करवाइए और तब सिद्ध करिए कि ये सरकार जो है इसके पास मेजोरिटी है। अभी कांग्रेस के नेता अभय दुबे यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं राज्यपाल के कहने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मध्य प्रदेश सरकार के हैं, इस बात से तो कोई मना नहीं कर सकता। राज्यपाल को नहीं चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, ये भी एक तथ्य है। तो राज्यपाल का अगर कोई मतलब नहीं है तो फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मध्य प्रदेश में खड़ा इस तरह से हो गया है।